चिड़िया का पति टुन्नो चिड़ा काम के सिलसिले से विदेश गया हुआ था। उसे कई साल बीत चुके थे, मगर वो एक बार भी अपने पत्नी बच्चों से मिलने नहीं आया था। मम्मा, पापा बुरे हैं, पापा बहुत बुरे हैं। वो हम दोनों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अब अच्छा ही होगा, वो घर कभी ना आए और ना हम उनकी गंदी शक्ल देख पाए। चुप कर जाओ गुड़िया, अपने पापा के बारे में ऐसे बातें कौन करता है और आपको बातें कौन सिखाता है? मेरे दोस्त मुझे सब बताते हैं। पापा बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं। वो विदेश में गौरी पक्षियों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं। मम्मा चिड़िया ना चाहते हुए भी गुड़िया के गाल पे एक थप्पड़ मार देती है। मैंने बोला ना चुप हो जाए, लेकिन नहीं, दिन पे दिन बिगड़ती जा रही हो। अब चुप करके बैठो। मम्मा, मुझे थप्पड़ मारने से पापा लौट नहीं आएंगे। और जो सब पक्षी बोलते हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं। ऐसे रोते हुए गुड़िया घर से बाहर निकल जाती है। वो नदी पर चुप बैठ जाती है। तभी वहाँ पर जग्गू कौवा अपने कुछ छिछोरे दोस्तों के साथ आ जाता है। जग्गू, तूने कभी बताया नहीं, तेरे जंगल में सुंदर सुंदर चिड़ियाए पक्षी भी हैं। मैं इसे जानता हूँ, ये गुड़िया है, मेरी पड़ोसन रानू आंटी की बेटी। नाम भी कितना मजेदार है, गुड़िया। जग्गू अपनी पड़ोसन से मिलवाएगा नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मिलवाता हूँ। फिर जग्गू कौवा अपने दोस्तों के साथ गुड़िया के पास आता है। गुड़िया, ये मेरे दोस्त हैं रॉकी और पिंटू। हेलो रॉकी पिंटू, मेरा नाम गुड़िया है, मैं जग्गू के पास वाले ही घर में रहती हूँ। वो तीनों ऐसे बातें करते हैं, तभी उल्लू दोस्त जग्गू कौवे के कान में धीरे से बोलता है। जग्गू, इसके गले में सोने की चेन है, क्यों ना हम चुरा ले, फिर मजे से पार्टी करेंगे। इस पर जग्गू कौवा भी हाँ बोल देता है। जग्गू दोस्त, अब मैं घर चलती हूँ, मम्मा इंतजार कर रही होंगी। रुको रुको गुड़िया, हिलना मत, तुम्हारी गर्दन पे कीड़ा लगा है। रॉकी, जरा कीड़े को निकालना। गुड़िया जरा भी हिलती नहीं। तभी चालाक उल्लू दोस्त गुड़िया की चेन को खोल लेता है। भाग गया भाग गया, कीड़ा भाग गया। थैंक यू दोस्तों, अब मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर गुड़िया वहाँ से चली जाती है, मगर उसकी सोने की चेन तो वहीं गिर जाती है। अरे, मेरी चेन कहाँ गिर गई? शायद नदी पर गिर गई होगी, मुझे वापस जाना होगा। फिर गुड़िया आधे रास्ते से ही नदी की तरफ लौट जाती है। जग्गू, ये मेरी चेन है, मुझे वापस करो। नहीं नहीं गुड़िया, मैंने इसे पीछे से उठाया था, तुम्हारी चेन कहीं और गिरी होगी। झूठ मत बोलो, ये मेरी ही चेन है, इसे वापस करो। जग्गू किसी भी हालत में वो चेन गुड़िया को नहीं देता और गुड़िया से लड़ने लगता है। तभी गौरी कौवी उन्हें देख लेती है और मम्मा चिड़िया भी नदी पर आ जाती है। मम्मा, अच्छा हुआ जो आप आ गई, जग्गू मेरे सोने की चेन नहीं दे रहा। अगर मम्मा को सच सच पता चला तो मुझे बहुत पीटेंगी, मुझे कोई झूठ बोलना पड़ेगा। क्या जग्गू, इस गुड़िया की चेन तुम्हारे पंखों में कैसे आई? मम्मा मम्मा, गुड़िया झूठी है, ये चेन इसी ने हमें दी है। बोल रही है ये बहुत महंगी है, इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम जंगल के बाहर पार्टी करेंगे। हाँ आंटी, जग्गू सच बोल रहा है, और गुड़िया शराब पीने के लिए भी बोल रही थी, और जब जग्गू ने मना किया तो झगड़ा करने लगी। तुम दोनों चुप हो जाओ, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। जग्गू, तुम तो सब जानते हो, फिर ऐसे झूठ क्यों बोलते हो? ओए चिड़िया, मेरे बेटे से ऊंची आवाज में बोलना भी मत, सबको पता है तू और तेरी बेटी कैसी है, पूरे जंगल का माहौल खराब कर रखा है तुम दोनों ने। गुड़िया बेटी चलो यहाँ से, हमें इन बुरे पक्षियों के मुंह ही नहीं लगना। मम्मा चिड़िया गुड़िया को लेकर वहाँ से चली जाती है। गौरी को तो बहुत गुस्सा आता है। लूसी कबूतरी, मुझे अपनी पड़ोस में उस चिड़िया का रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। चोरी खेती और दारू, ना जाने क्या क्या गुल खिलाती है मेरी बगल में। मुझे भी बहुत बुरी लगती है वो रानो चिड़िया, जब देखो कबूतर भैया मीठी मीठी बोलकर मेरे घर को खा गई, और जब मैं कबूतर जी से मना करती हूँ तो हम दोनों में ही लड़ाई हो जाती है। तभी तो टुन्नू चिड़ा इसे छोड़कर विदेश में रहने लगा। चिड़िया के लक्षण है ही बुरे, मैं तो चाहती हूँ ये हमारे जंगल से भी कहीं दूर चली जाए। तुम उसके बिल्कुल पास में हो, तुम्हें ही भगाना होगा, बाद में मैं भी तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूँ। इस तरह से बातें कर
गौरी कभी चिड़िया के दरवाजे पर जोर जोर से धक्का मारती है। आते जाते पक्षी वहाँ पर रुक जाते हैं। बस चिड़िया, बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुमसे पूरा जंगल परेशान है, भागो यहाँ से, एक मिनट के लिए भी नहीं रुकने दूंगी। हाँ हाँ, गौरी ठीक कहती है, जहाँ तुम्हारा पति रहता है वहीं जाकर रहो, इस जंगल से बाहर निकलो। नहीं, मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आप दोनों तो पागल हो गई हो। जग्गू के पापा, खड़े क्या हो, चिड़िया का सामान बाहर फेंको, तभी तो ये जाएगी। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर में घुस जाता है और सारा सामान बाहर फेंक देता है। अब ये सामान उठाओ और चलती बनो यहाँ से। चले बेटी, हमें नहीं रहना इन गंदे पक्षियों के साथ, हम कहीं और अपना घर बनाएंगे, ये तो बहुत बुरे निकले। फिर मम्मा बेटी अपना सामान उठाकर जंगल से बाहर चली जाती है। वो दूर पहाड़ों पर अपना घर बनाती है। मम्मा, ये जगह तो पहले से भी अच्छी है, ना यहाँ गौरी आंटी है और ना ही वो चोर कव्वे। हाँ बेटी, लेकिन यहाँ भोजन बहुत कम है, आए दिन बारिश होती रहती है। मम्मा, भोजन की तो कमी है लेकिन यहाँ जगह तो बहुत है, हम क्यों ना किसी फल की खेती कर ले, फिर भोजन की भी कोई कमी नहीं होगी। रानो चिड़िया को खेती करने का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो एक इंसानों की बस्ती में चली जाती है और एक मटर के खेत में रुक जाती है। हाँ, मैं ये मटर ही ले जाती हूँ, मटर खाने में नरम होते हैं। ऐसे रानो चिड़िया खेत से थोड़े मटर ले आती है और उन्हें बो देती है। कुछ समय बाद उसकी मटर की फसल तैयार हो जाती है। इधर कव्वे के जंगल में भी लगातार कई दिनों से बारिश हो रही थी, जंगल में पानी भर गया था और कई पक्षियों के तो घर भी टूट चुके थे। साथियों, अब ये जंगल तबाह हो चुका है, ना घर बचे हैं और ना ही भोजन, हमें जिंदा रहने के लिए ये जंगल छोड़ना होगा। ऐसे विचार कर वो सब पक्षी पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं और एक ऊंची पहाड़ी पर बैठ जाते हैं। तभी रानो चिड़िया उनके पास आती है। आप सब यहाँ कैसे, क्या हुआ है, जंगल में कोई आफत तो नहीं आई? चिड़िया, पूरा जंगल बारिश के पानी में डूब गया, हमारे घर भी नहीं बचे, इसीलिए यहाँ पहाड़ों में रहने आए हैं। लेकिन यहाँ तो खाने को कुछ भी नहीं है और हम सब कई दिनों से भूखे हैं। आप सब घबराए ना, मेरे पास बहुत भोजन है, आप चले, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। फिर चिड़िया सबको अपनी मटर की खेती पर ले जाती है। वो सब पक्षी कई दिनों से भूखे थे इसलिए खूब मटर खाते हैं, मगर गौरी कालू तो चुप खड़े थे। गौरी कालू, क्या बात है, क्या आपको मटर अच्छे नहीं लगते? चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं गौरी, जो हुआ सब भूल जाओ और ये ताजी ताजी मटर खाओ। मम्मा, मुझे आपको कुछ बताना है, उस दिन मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं और मेरे दोस्त गुड़िया की चैन को चुरा रहे थे। गुड़िया बहन, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं जग्गू, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, अब किसी के साथ ऐसा कभी मत करना। इस तरह से कव्वे का परिवार भी मटर खाना शुरू करता है। वो सब पक्षी बहुत खुश थे और चिड़िया तो बेहद खुश थी अपने जंगल के पक्षियों को मटर खिला के। आपका धन्यवाद। आज रानो चिड़िया और टनु चिड़िया बहुत खुश थे क्योंकि रानो चिड़िया ने अपने घोंसले में अंडा जो दिया था। टनु जी, आपको क्या लगता है, हमारे अंडे से बेटा होगा या बेटी? रानो जी, जो भी हो हमारा बच्चा बहुत प्यारा होगा। टनु जी, हम अपने बच्चों का क्या नाम रखेंगे, आपने कोई नाम भी सोचा है या नहीं? रानो जी, बेटा हुआ तो कुक्कू और बेटी हुई तो गुड़िया नाम रखेंगे हम अपने बच्चों का। टनु जी, ये तो बहुत ही प्यारे नाम है। हाँ रानो, अब मैं भोजन लेने जाता हूँ, आप अंडे का ख्याल रखना। ऐसे कहकर पापा चिड़िया भोजन लेने चला जाता है। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी अपने अंडे का ख्याल रख रही थी। पापा चिड़िया को काफी समय हो जाता है लेकिन शाम तक वो भोजन लेकर घर नहीं आता। मम्मा चिड़िया को बहुत प्यास लगती है। टुन्नु जी को गए हुए तो बहुत समय हो गया, मुझे कब से प्यास लगी है, मैं अपने अंडे को छोड़कर कैसे जाऊं? ऐसे सोचकर रानो चिड़िया करीबी तालाब पर पानी पीने चली जाती है। उसी समय वहाँ से कव्वों का परिवार गुजरता है। कालू, हमें उड़ते उड़ते कितनी देर हो गई, मगर किसी पक्षी का अंडा नहीं मिला अब तक। हाँ गोरी, मैं भी उड़ते उड़ते थक गया हूँ, अब तो मेरे पंखों में भी दर्द होने लगा है। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे तभी गौरी कव्वे की नज़र चिड़िया के अंडे पर जाती है जो कि घोंसले